ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आपका भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज के इस टॉपिक में रखने वाले हैं कि आपको GT खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सो हम बस वही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्यों लेनी चाहिए GT वो मैं बता देता हूँ। तो पहले एक बार इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए तो ये बंद कर लेते हैं एक बार। तो भाई देखो, लेनी इसलिए चाहिए आपको, पहला पॉइंट ये कि ये जो मतलब गाड़ी है 650 cc की है, और जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उस प्राइस सेगमेंट में कोई सी भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इसको टक्कर दे पाए। कैफे रेसर भी हो जाता है, डबल सिलेंडर भी है, 650 cc भी है, और पावर भी सबसे तगड़ी है इस गाड़ी के अंदर में। सो पहला रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो गया कि इसके जो लुक्स है गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक्स है, और काफ़ी ही इसको मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। जब गाड़ी चलाओगे ना तो पोस्चर जो रहता है थोड़ा सा इसमें मतलब बेंड रहता है, हमारा जो बैक रहता है वो बेंड रहता है पूरा। तो वो पोस्चर की वजह से भी आपको गाड़ी लेनी चाहिए, उसमें आपको बहुत मज़ा भी आता है। और जो इस गाड़ी का इनिशियल पावर है ना गाइस, वो जो ख़तरनाक लेवल का पावर है ना, 47 BHP, तो आप समझ सकते हो 47 BHP कितना हो जाता है। टॉप स्पीड इसका 190 के अराउंड ये चली जाती है GT 650 एग्जॉस्ट के बाद, या विदाउट एग्जॉस्ट भी आप जैसे स्टॉक पे रखोगे तो भी चली जाएगी। तो ये आपका दूसरा रीज़न हो गया। और स्पोक व्हील्स आते हैं, ये तो पता है वो कैफे रेसर है, तो स्पोक व्हील्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। हाँ, बट जो नया वाला वेरिएंट है अभी, उसमें आपको जो है अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, LED सेटअप देखने को मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाएगा, क्लिप ऑन हैंडल मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर में। तो ये चेक कर लो गाइस, क्लिप ऑन हैंडल है इसका अपना। सो इसमें आप सिंगल सीट भी कर सकते हैं, डबल सीट भी कर सकते हैं। सो ये भी एक बेनिफिट है इस गाड़ी को लेने का। और आप चाहे तो इस गाड़ी को चॉप भी करा सकते हैं, चॉप करा के आप बिल्कुल इसको सिंगल सीटर बना सकते हैं। तो ये आपको जो पीछे वाला पोर्शन है पूरा हट जाएगा, लाइक इतना वाला जो ये पार्ट है ये पूरा हट जाएगा आपका। सो आप ये हटा के बिल्कुल इसको चला सकते हैं, सिंगल सीट हो जाएगी, और उसमें काफ़ी जो गाड़ी का लुक भी अच्छा आएगा। सो आप ये भी कर सकते हैं। और इसके जो मीटर्स है, मीटर जो है इस गाड़ी के, वो कितने ही तगड़े दे रखे हैं भाई, देख रहे हो। एक बार दोबारा से देख लो स्टार्टिंग सीक्वेंस कैसा है इसका, ये चेक करो। सो ऐसा कुछ स्टार्टिंग सीक्वेंस है अपने इसका। सो मुझे तो यही सब चीज़ें देख के पसंद आई थी गाड़ी। और मेन जो इसकी पावर तो मैंने बताई दिया आपको, आप मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी मॉडिफाई भी हो जाती है अपनी, तो काफ़ी मज़ा आता है। अब बस जो मुझे एक जो चीज़ गाड़ी में नहीं पसंद है वो है अपना कि इसमें जो स्पोक व्हील्स आते हैं ना, अगर जैसे कभी पंक्चर वगैरह हो जाए गाड़ी तो डबल स्टैंड भी नहीं है इसमें, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात रहती है। उसके लिए फिर आपको RSC बुलाना पड़ेगा, और इतनी भारी बाइक है कि आप इसको खींच के ले जा भी नहीं सकते हैं। सो बस एक ये दिक्कत है। अगर इसमें आप अलॉय डलवालेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने अलॉय में तो ट्यूबलेस रहता है। बट हाँ, आप ये तो डबल स्टैंड लगा लो इसमें, या तो जो पेडॉक स्टैंड होता है अपना वो बिल्कुल ख़रीद लो, जिससे आपके कभी गाड़ी पंचर हो जाए। वैसे तो उसको कहीं बाहर ले जाके मतलब ले जा नहीं सकते अपना। सो आप यही कर सकते हो कि इसमें आप जो है ना अपना स्टैंड ही लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्रैश गार्ड ज़रूर से लगा लेना गाइस, क्रैश गार्ड से काफ़ी अच्छा जो है गाड़ी में प्रोटेक्शन मिलता है अपना। सो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा ना एक बार हल्का सा डेंट आ गया था यहाँ पे, वो तो चलो ठीक करा लिया था हमने गाड़ी का। और इसके मिरर चेक कर लो गाइस, ये जो नए मिरर हमने लगाए गाड़ी में अभी, सो ये काफ़ी ही यूनिक लग रहे हैं, और अच्छा एंगल मिल रहा, मतलब व्यू मिल रहा है इसमें पीछे का हमें, क्योंकि जो पहले लगाए थे हमने पतले वाले उसमें ज़्यादा व्यू कुछ खास मिल नहीं रहा था हमें। सो हमने जो इसको चेंज कर दिया, सो अभी ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, एंड व्यू भी अच्छा मिल रहा है हमें देखने को। एंड मॉडिफिकेशन की बात कर ले तो मॉडिफिकेशन तो मैंने काफ़ी सारी करा रखी है गाड़ी के अंदर में। तो पहली मॉडिफिकेशन तो ये चेक कर लो, ये आपको दिख रहा होगा टेप जैसा, तो ये टेप है इस चीज़ की, ये चेक कर लो आप। हेडलाइट जल गई, एंड रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को फोटोशूट वगैरह करना हो ना तो वो ज़्यादा बढ़िया लगती है इसमें। आगे भी हमने कुछ लगा रखा लाइटिंग दिख जाए, ये रही यहाँ लगा रखी है वाली, सो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। आगे माइनस हेडलाइट है अपना, सो माइनस भी काफ़ी अच्छा है। फॉग लैंप्स लगे हुए हैं, पार्किंग इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इसमें हमने पूरा LED सेटअप कर रखा है गाड़ी में। और ये स्टॉक में आती ये पूरी आती है अपनी हेलोजन सेटअप के साथ में, सो हेलोजन इतना कुछ खास नहीं है। और इसमें आपको जो फाइबर्स के ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, तो फाइबर के इतना ज़्यादा कुछ खास मुझे लगते नहीं है क्योंकि इसमें ब्रेकिंग मिलती नहीं है। बट हाँ, अगर वही क्रेमिका के होते तो काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में, और अच्छी ब्रेकिंग मिलती है क्रेमिका के ब्रेक्स में हमें। सो डबल सिलेंडर है भाई, तो उसी हिसाब से आप लोग देख लेना, बजट में अगर आपके हो तो बिल्कुल चले जाना भाई, इतनी पावर मिल जाएगी आपको गाड़ी में, 650 cc इंजन मिल जाएगा डबल सिलेंडर, और इतना ज़्यादा लाउड है एग्जॉस्ट लगाने के बाद। मैंने तो एग्जॉस्ट लगा रखा है,
तो आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको एक बार, ऑन नहीं किया मैंने, तो ये चेक कर लो एक बार। तो ज़्यादा अभी रेव नहीं करूँगा क्योंकि ये सोसाइटी है पूरी ना, इस एरिया में चेक कर रहे हो तो बेकार में कोई कंप्लेंट करे, इससे अच्छा है कि ज़्यादा खुड़दम ना मचाएं हम लोग। सो ये था वीडियो में भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और GT हमारी कैसी लग रही है मॉडिफिकेशन के बाद? अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करानी है मेरे को, अभी इसमें एक डलेगा व्हील कवर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें कराऊंगा अभी मॉडिफिकेशन। सो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से देख लेना कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंड है, अगर आपका बजट है तो ये आपको मिल जाएगी 4 लाख के अंडर में बाइक ये मिल जाएगी, अगर आप फाइनेंस कराते नहीं हो तो। अगर फाइनेंस कराओगे तो थोड़ी सी कॉस्टली बैठ जाएगी, लाइक 60-70 हज़ार पे ऊपर बैठ जाएगी। सो वो देख लेना आप लोग अपना हिसाब से, बट हाँ अगर कैश पे उठाओगे डायरेक्ट तो 4 लाख में ये क्रोम वाला कलर जो मिल जाएगा आपको। बेसिकली जो अपने कलर्स आते हैं दूसरे वाले, रेड हो गया, वाइट हो गया, ये सब चीज़ से मतलब जो कलर्स है ना इससे थोड़ा महंगा आता है ये वाला क्रोम कलर, क्योंकि भाई ये यूनिक भी है थोड़ा सा ना, एंड ये पूरा इसका नाम ही मिस्टर क्लीन है अपना, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा कलर है अपना। तो ये देख लेना और इसको ज़रूर से ना कभी लो तो PPF करा लेना या 3 लेयर लेमिनेशन करा लेना, जिससे स्क्रैच वगैरह आने का कोई डर नहीं रहेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे हर नए वीडियो का। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ़।